हेलो गाइस, आपका भाई सलमान हाजिर है वापस न्यू वीडियो के साथ में, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस के वांटेड व्लॉग के अंदर। पहुँच चुका हूँ गाइस आज इसी लोकेशन पे जहाँ हम पहले विजिट करके जा चुके हैं। काफ़ी भाइयों की डिमांड थी कि भाई एक बार वापस जाके आप क्लियर करो, वहाँ का कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या रीज़न रहा था। भाइयों की डिमांड थी भाई एक बार वापस आप रिव्यूल करके आओ उसको जाके, तो वापस पहुँच चुके हैं। तो लोकेशन दिख रही है आपको पुराने टाइम की, राजा महाराजों के टाइम की एक हवेली है गाइस, जो काफ़ी टाइम से मतलब खंडर पड़ी है। इसकी स्टोरी और इसके बारे में जो भी है आपको अंदर जाके मैं जिक्र करूँगा इसका। तो आ जाओ भाई। और एक बात कहना चाहता हूँ भाई, कोरोना बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है, तो सेफ्टी रखो और जितना हो सके घर में रहो, सेफ रहो और सेफ्टी तो रखो, मतलब कुल मिला के। तो अंदर चल के बात करते हैं, बाकी आ जाओ भाई। इसकी गेट देख के आप पहचान जाओगे गाइस कि कितने साल पुरानी होगी कम से कम, और अब तो हिल भी नहीं रहा है, ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल जाम हो चुका है मतलब ये। तो आ जाओ हाँ। तो गाइस जिस भाई ने वीडियो स्टार्ट कर लिया ना, सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना और कितना हो सके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब बात करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। पुराने टाइम की गाइस ये एक हवेली बनी हुई है जो काफ़ी टाइम से मतलब खंडर अवस्था के अंदर पड़ी है ये। यहाँ पे कहा जाता है कि पास में एक कुआ था, कुआ जहाँ पे तीन औरतों की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में वो धीरे धीरे वो अब पूरी तरीके से भर चुका है वो कुआ जो पहले था, क्योंकि काफ़ी पुराना कुआ था गाइस। उसके अंदर तीन औरतों की डेथ हो गई थी, अब कैसे हुई थी उसका तो पता नहीं गाइस। उस दिन के बाद में यहाँ के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि यहाँ पे अजीब सी एक्टिविटी होती है, काफ़ी आवाज़ें आती है इस हवेली से, और इतनी डरावनी आवाज़ें आती है गाइस के मतलब कोई भी इंसान यहाँ से गुजरता है तो इधर देखना भी मतलब गवारा नहीं समझता वो सीधे मतलब काफ़ी। और एक पास में रास्ता भी है गाइस, यहाँ से एक रोड जा रही है, जो जो भी जाता है गाइस टाइम से निकल जाता है, और फिर भी अगर कोई निकलता है इधर तो इधर मतलब आँखें उठा के देखता भी नहीं है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर मतलब ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है। लोग कहते हैं यहाँ पे चुड़ैल दिखती है। अब आज तीन औरतों की मौत हुई थी और चुड़ैल दिखती है, तो वैसा तो कुछ पता नहीं। बाकी जिस तरीके से भाइयों ने मुझे इसकी स्टोरी बताई तो उस तरीके से मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ गाइस। तो अब देखते हैं आए क्या दिखता है यहाँ पे, क्या एविडेंस मिलते हैं, और कुछ मिस भी हो जाए तो आपको कमेंट करके बताना है मुझे। तो अब आपको लोकेशन दिखाते हैं इसकी पूरी हवेली की। चार से पाँच मंजिला थी गाइस ये, अब केवल मेरे हिसाब से पूरी ढह चुकी है ये। जो जो बची हुई है लोकेशन वो आपको कवर कराऊंगा गाइस मैं। तो सबसे पहले इधर दिखाते हैं, यार ये क्या मतलब हो क्या बेटा है भाई, सुअर बेटा है गाइस, क्योंकि अब इंसान तो रहने लायक है नहीं यहाँ पे। अरे यहाँ पे क्या बना हुआ यार गाइस, उस टाइम के अंदर शायद ये मंदिर वगैरह बनाए जाते थे, तो त्रिशूल बना हुआ है एक, तो वही पकड़ो। चलो चलते हैं गाइस अंदर की तरफ और देखते हैं। गाइस देख सकते हो उसकी कंडीशन, कंडीशन कैसे हो रखी है, मतलब पूरी ढह चुकी है गाइस। ये बहुत कम हिस्सा है इसका जो बचा हुआ है, बहुत कम हिस्सा है इसका जो बचा हुआ है गाइस, थोड़ा
घबराहट सी महसूस हो रही है गाइस, क्योंकि लोकेशन आपको आगे से दिख रही होगी कि कैसी है। रूम बने हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है गाइस अंदर। ना बंदा ना बंदे की जात, आपके दोनों भाई अपने एक्स पे आए हैं गाइस। तो चलो भाई आ जाओ आगे, जानवर कहाँ से आ गए थे? लाइट की वजह से। मिनट एक मिनट एक मिनट, लाइट एक मिनट एक मिनट यार, पता नहीं आ रही है कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं, पकड़ो वापस पकड़ो इसको। मतलब जहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ ना गाइस, वहीं से मतलब टूट के गिर रही है। नहीं, इसकी कंडीशन है जो ख़राब हो चुकी है गाइस। ये शायद एक रास्ता बना हुआ है, थोड़ा इधर से दिखा दो भाई। मुझे खुद को नहीं पता गाइस कि इसका कौन सा रास्ता किधर से निकलता है, क्योंकि पूरी टूट चुकी है। तो मतलब जिधर मतलब जानना है तो उधर से ही निकलूँगा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। देख सकते हो ये पट्टियाँ टूट के इसकी पूरी नीचे गिर चुकी है। ऊपर से ये भी एक रूम बना हुआ था, पूरी इसकी पट्टियाँ जो है नीचे आ चुकी है गाइस। मेरे हिसाब से तो गाइस ये कम से कम 500 साल पुरानी होगी, 500 साल पुरानी। अब सोच सकते हो 500 साल पुरानी हवेली है गाइस। तो जब ये बनी थी, जब इसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, तो ये कैसे लगती थी? अचानक से हवा चल गई यार। ओ भाई, भाई। किसकी वजह से चमका दे रही है? उधर भाई, उधर क्या है भाई? ऐसा लगा यार इसे इधर अंदर कुछ हो। ओ भाई क्या कंडीशन हो रखी है इसकी? ओ शिट, चमगादड़ चमगादड़ भाई चमगादड़। ओ चमगादड़ यार, इस कंडीशन ही बहुत इसकी तो इस तरीके से हो रखी है। पकड़ो भाई। ओ भाई एक और, एक और भाई, मुंह को बचा के रखना, मुंह को बचा के रखना। मैंने सुना है कि चमगादड़ जो है मुंह पे अटैक करती है गाइस, और जहाँ से पकड़ लेती है फिर वो हिस्सा डैमेज होने के बाद में फिर हालत ख़राब है। भाई यहाँ अंदर आके एक बार व्यू दिखा दो उसका, फटाफट से जल्दी करो। यहाँ दिखाओ, जाले जाले लगे हुए हैं, वो तो मान सकते हैं गाइस कि जाले तो लगे हुए हैं, बट इसकी कंडीशन ऐसी है कि अभी मैं खड़ा हूँ ना तो शायद ये अभी भी ढह सकती है, ऐसी कंडीशन में यही है गाइस। बाकी अंदर का व्यू देखा ना गाइस इसका, तो भानगढ़ के बराबर लगता है मुझे इसका जो व्यू है पूरा, भानगढ़ के बराबर। ओ भाई बाहर चलो, आवाज आ रही है उधर से, आना भैया आना फटाफट से। आप पूरा व्यू ले भाई चमगादड़ों का, सबका व्यू लो यार दोस्त। जाले देखो इसके, कितनी भयंकर तरीके से लग चुके हैं। मतलब चारों तरफ का व्यू लो भाई फटाफट से,
मतलब गाइस दिन में भी अगर कोई आए ना तो मतलब डर जाए। अच्छा, मतलब अच्छा वाला आदमी भी यहाँ पे आया ना डे के टाइम तो वो भी डर जाएगा गाइस। इसके अंदर चल के आते हैं भाई। मुंह को बचा के रखना भाई, पता नहीं कितनी चमगादड़े होगी और भी अंदर। आ जाओ अंदर, आ जाओ। डरो मत भाई, आराम से यार आओ। अंदर कैमरा करो यार, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ओ भाई 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 भाई, एक मिनट कैसा आवाज है बाहर से, कुछ कौन है? हाँ भाई, लो कैमरा लो। भाई लोग कहते हैं कि पहले कैमरा लेके जाया करो ताकि जो भी है वो हमें भी दिखे। वैसे यार मतलब काफी कंडीशन इसकी इस तरीके से हो रखी है कि पूछो मत। क्लियर यार, है ना भाई? अभी तो ऊपर वाली लोकेशन का पूरी बाकी पड़ी है इसकी। ऊपर से आई थी क्या आवाज? ऊपर से आ जाएगी। हमने एक बार आओ थोड़ा ऊपर आके देखो। अरे वो क्या वहां पे भाई, वो क्या? अरे वो क्या, ऊपर चल भाई, ऊपर चल फटाफट से। रास्ता कहीं से क्या यार? फटाफट से आराम से, फटाफट से आराम से, गिर मत चलो भाई। अरे भाई आराम से। ओ भाई भाई भाई, कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? गाइस मैंने मेरी आंखों से देखा था, वहां से यहाँ कुछ कुछ बैठा था यार। क्लियर गाइस क्लियर। उधर उधर कौन है यहाँ पे भाई? अब पीछे से आवाज आ रही है, पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है बहुत भयंकर तरीके से गाइस। ये देखो भाई, अब भाई इधर आ, इधर गाइस क्लियर। वो चीज जो दिखी थी वो क्लियर इसमें कैचअप हुई हुई गाइस। मैंने मेरी आंखों से देखा था गाइस, यहाँ पे कुछ बैठा था ऐसा। समझ में नहीं आ रहा यार मुझे। भाई उधर 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 करना उधर।
गाइस कैसे आवाज आ रही थी इधर से भी। गाइस अगर हमसे कुछ मिस हो जाए ना तो आपको केस करके मतलब कमेंट करके बताना। बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ें आ रही है वहाँ पे, मुझे पता नहीं क्या चीज़ दिखी थी। एक मिनट कौन है यहाँ पे? इधर को भी देखो एक बार, बस बस वहीं से दिख जाएगा। पर कोई है तो सामने आए। ओ भाई भाई तू क्या बाबा क्या हुआ भाई? सलमान भाई क्या हुआ भाई? पीछे से किसी ने धक्का मारा था यार। इधर आ जाओ इधर। ये कैसे हो सकता भाई? भाई मेरा धक्का कहाँ पे? अरे भाई सेफ्टी कहाँ है आपकी? धक्का कहाँ पे गया मेरा? अरे इधर देखो, ये क्या हो रहा है भाई? कौन है यहाँ पे? नीचे देखो, साइड में देखो, कहीं गिर गया होगा भाई। कहाँ पे गया यार? यहाँ से बाहर चलो पहले आप भाई। निकलो निकलो यहाँ से बाहर चलो पहले आप। ऊपर 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 देखो। अरे भैया रेंट तो भैया भैया आओ चलो। भाई 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 धागा बंद मांगते रहे तो। हाँ भैया मेरा धागा कहाँ पे गया है भाई? ऊपर मैं ऊपर आया था तब तक धागा मेरे हाथ में था यार। अरे भैया आपके पास सेफ्टी नहीं, आप रहने दो अभी। भाई ऊपर आया था तब धागा मेरे हाथ में था। गाइस इतना मुझे नोटिस है कि धागा मेरे हाथ में था यार, बंधा हुआ था यहाँ पे आया था। देखो हम आपको नुकसान पहुँचाना नहीं आए तो हमें हानि पहुँचाने की कोशिश ना करें प्लीज। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है भाई। मिल गया भाई, जल्दी पहनो उसको पहले। इधर 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 देखो बड़ा भैया। अभी चलो यहाँ से निकलो भाई, निकलो यहाँ से, निकलो फटाफट से, चलो चलो आ जाओ। बस निकलते हैं वापस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दबा के।